हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मार्केट स्टाइल मूंग दाल नमकीन। आप घर पर ही बड़ी ही आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। अधिकतर बच्चों को ये नमकीन बहुत पसंद होती है। वो मार्केट से छोटे छोटे से पैकेट आते हैं ना, जो 5 रुपए का आता है, वो लेकर के आते हैं। उनमें बिल्कुल थोड़ी सी नमकीन निकलती है। आप घर पर इसको बना सकते हैं, जब मन हो तब खाइए, चाय के साथ खाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, मेरी चैनल रक्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मूंग दाल। ये बिना छिलके वाली दाल है, जिसे हम पीली दाल भी कहते हैं। तो हम 1 कप यहाँ पर दाल ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर टाटा संपन्न की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अनपॉलिश दाल है और ये हाई प्रोटीन की होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में ही पाई जाती है। तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी मानी जाती है, तो इसलिए दाल का इस्तेमाल ज़रूर करें। नाश्ते में भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग दाल ली है। इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, हम जितनी दाल डालेंगे उसके जस्ट 3 गुनी दाल हमारी फूलने के बाद हो जाती है। तो यहाँ पर 1 कप दाल में मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। पानी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको भिगोने के लिए करीब 2 घंटे के लिए रखेंगे। लेकिन साथ में आपको एक चीज़ और डालनी है। ये डालना है आपको 1 चम्मच मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। इससे जो मूंग दाल नमकीन है ना, बहुत ही क्रिस्पी बनती है, यानी कि खुशक बनती है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसको ढक करके 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देते हैं। मूंग दाल फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2-2.5 घंटे में ही मूंग दाल फूल करके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मूंग दाल हमारी फूल चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से फूली है। तब आपको काम करना है, ये पानी निकाल करके 1-2 बार दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने दाल को वॉश कर लिया है। तो आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। हमने 1/2 कप दाल डाली थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब हम इस तरह से एक न्यूज़पेपर लेंगे और इसके ऊपर हम कोई साफ़ कपड़ा बिछाएंगे। मैंने यहाँ पर रुमाल लिया है, तो कॉटन का कपड़ा होना चाहिए ताकि पानी जितना भी एक्स्ट्रा का है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर मैं जितनी भी दाल मैंने धो निकाल करके रखी थी उसको मैं अच्छे से फैला दूँगी। तो मैंने न्यूज़पेपर इसलिए नीचे बिछाया है ताकि जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा के पानी को एब्जॉर्ब कर ले, सोख कर ले। आप चाहे तो कपड़े अगले में भी इसको बिछा सकते हैं। तो हम इसको फैला देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए, दाल बिल्कुल इसका एक्स्ट्रा का पानी निकल चुका है। दाल ऐसी होनी चाहिए कि छूने में आपको लगे कि ये गीली है, लेकिन हाथों में पानी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यानी कि ये फूली हुई तो है, लेकिन पानी एक्स्ट्रा का इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल जब बहुत अच्छे से गरम हो जाए, यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तेल आपका बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए, वरना आपकी जो नमकीन है बहुत ज़्यादा तेल पिएगी और कुरकुरी भी नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ दाने आप डाल करके देख लीजिए, तुरंत ही दाने ऊपर आ जाएँ तो समझ लीजिए तेल हो गया। अब आप इस तरह से आटे वाली जो छन्नी होती है ना, जिसमें हम आटा छानते हैं, आप वो छन्नी ले लीजिए और इस तेल के ऊपर आप रख दीजिए। आप चाहे तो जो चाय छानने वाली स्टेनलेस स्टील की छन्नी होती है ना, बड़े साइज़ की, वो भी आप ले सकते हैं। तो छन्नी मैंने रख दी है और इस तरह से मैं दाल को डालूंगी। तो थोड़ी केयरफुली डालें, क्योंकि ये बहुत झार छोड़ती है ऊपर की तरफ और हीट निकलती है बहुत तेज़ी से। आप चम्मच की मदद से भी इसको डाल सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा चम्मच से इसको शेक कर दूंगी ताकि ये सभी जगह अच्छे से फैल जाए। तो इस दाल को हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर सेकना है। करीब आपको 1 से 2 मिनट तक सेकना है। 1 से 2 मिनट में ही आपको लगने लगेगा कि दाल का जो टेक्सचर है, कलर है, वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप पकड़ की मदद से छन्नी को उठा लीजिए और चेक करते जाइए कि इसका कलर कैसा है। तो हल्का सा गोल्डन ब्राउननेस इसमें आ जानी चाहिए, तब आप समझ लीजिए कि इसका जो सिक चुकी है हमारी दाल, कुरकुरी हो चुकी है। तो ये देखिए, दाल का कलर कुछ इस तरह से हो गया है। इसका मतलब हमारी दाल जो है बिल्कुल परफेक्ट सिक चुकी है। तो टोटल इसमें 1.5 से 2 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो वो आपकी फ्लेम पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैंने कटोरी में न्यूज़पेपर रख लिया है, आप टिश्यू पेपर भी बिछा सकते हैं। इसमें मैं इस दाल को डाल दूंगी ताकि जितना एक्स्ट्रा का ऑयल है, ये जो न्यूज़पेपर है, सारा एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से मैं दूसरा घना भी बना लेती हूँ नमकीन का। तो मैंने फिर से इसमें छन्नी रख दी है और हम फिर से दाल को डाल देंगे।
तो हम सभी दाल को डाल करके एक बार हम फिर उसी तरह से इसको सेक लेंगे। तो आप चम्मच की मदद से, अगर आप छन्नी ले रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि छन्नी बहुत छोटी होती है तो उस हिसाब से आप उसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल करके सेक सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप ज़्यादा दाल भी एक बार में सेक सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी छन्नी है आटे की। तो ये देखिए, हमने दूसरा घना भी इसका सेक लिया है, इसका कलर भी काफ़ी गोल्डन जैसा हो चुका है, वो अलग ही दिखने लगता है जब दाल सिक जाती है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं सेकना है, वरना कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं रहेगा जैसा कि हमें मार्केट जैसा चाहिए होता है। तो ये देखिए, दूसरा घना भी हमने इसको अच्छे से सेक लिया है, तो इसको भी हम उसी कटोरी में निकाल लेते हैं। तो आप इस तरह से थोड़ा करे रहें ताकि एक्स्ट्रा का ऑयल जितना है निकल जाए। तो लीजिए, इसको भी हम उसी कटोरी में डाल देंगे। तो दाल को हम सभी जगह अच्छे से फैला देंगे। आपने जो भी बिछाया हो, टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर, तो इस तरह से आप अच्छे से फैला दीजिए और इस न्यूज़पेपर को चारों तरफ से लपेट दीजिए ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और आधा से एक घंटे के लिए आप रख दीजिए। तो आधा से एक घंटे ज़्यादा टाइम के लिए आप रखेंगे तो इसका ऑयल पूरी तरह से निकल जाएगा और ये बिल्कुल ऑयल फ्री, जैसे कि मार्केट की होती है ना, उसमें ऑयल नहीं दिखता है, उस तरह से ये बन जाएगी। तो टोटल आप आधा से एक घंटे के लिए उसको लपेट करके रखें। तो ये देखिए, हमारी कितनी बढ़िया मूंग दाल नमकीन बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला सकते हैं, वैसे तो बहुत लोग इसमें मसाले भी ऐड करते हैं, लेकिन सिर्फ नमक मिलाइए तो बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। सिंपल और टेस्टी हेल्दी हमारी मूंग दाल नमकीन बन करके तैयार हो गई है। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया हमारी नमकीन बनी है। तो इस तरह से आप बच्चों के लिए बनाकर रखिए, बहुत फ़ायदेमंद है, ये नुकसान नहीं करती है बच्चों को। तो जब मन हो बच्चों को दीजिए, बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, घर की चीज़ें खिलाएं, ज़्यादा अच्छा है। आप इस मूंग दाल नमकीन को एक एयरटाइट डिब्बे में भर लीजिए और आप महीनों के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। आराम से एक दो महीने आपकी ये नमकीन चलेगी। तो इकट्ठे बना लीजिए और इसका एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।